नुंह जिले में कमल खिलाने को लेकर मुकेश वशिष्ठ ने डाला मेवात में डेरा। बता दें कि भाजपा इस बार नुंह जिले में कमल खिलाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इस इलाके के लोगों को खुश करने के लिए राजा शहीद हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में इलाके के लिए कई घोषणाएं घोषित हो सकती हैं। इलाके के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ पिछले काफी दिनों से नुहू जिले में डेरा डाले हुए हैं और लगातार हर वर्ग के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले वकीलों से बातचीत कर मुलाकात की है। बता दें कि आगामी 9 मार्च को बड़कली चौक पर होने वाला राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस समारोह ऐतिहासिक होगा। आपको बता दें कि मेवात को खुशहाल मेवात में तब्दील करेगा और विकास के नए द्वार खुलेंगे। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने हरियाणा सरकार द्वारा राजा हसन खां के बलिदान दिवस को विशेष दिन का दर्जा देने पर आभार जताया और सभी अधिवक्ताओं को 9 मार्च के समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। उन्होंने कहा है कि हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेकर संवैधानिक अधिकारों को लेकर समाज के हर तबके के लोगों तक न्याय की ज्योति पहुंचनी चाहिए। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उनके सामने आपने कुछ मांगे रखे हैं और उन्होंने भी कुछ अपील की है 9 तारीख के लिए, क्या है मांग? हमारा ये मामला चैम्बर्स का कई सरकारों से पड़ा हुआ है। आज तक बैकवर्ड इलाके होने की वजह से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पहले सबसे पहले तो मैं मनोहर लाल सरकार या खट्टर सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कोऑर्डिनेटर वशिष्ठ साहब का, मुकेश वशिष्ठ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक छोटी सी मांग के ऊपर हमारी बार में आए और हमारे नौते पर, इन्विटेशन पर उन्होंने हमारी मांग को कबूल किया और हमारा जो शिलान्यास चैम्बरों का होना था उसको तुरंत स्वीकार किया। इसके लिए मैं सरकार को तह दिल से, बार की तरफ से, अपने तरफ के और इलाका मेवात की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक जिम्मेदारी भी लगाई कि ज्यादा से ज्यादा वकील 9 तारीख को सीएम साहब के जो शहीद हसन का मेवाती दिवस, ये हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम एक राजा जो हमारा हसन का मेवाती था जिसने शहादतें दी, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक होगा, हमारे बच्चों के लिए भी। हमारी जितनी कोशिश होगी, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बार की तरफ से 100% पूरे अपने साथियों के साथ जो है सीएम के प्रोग्राम में जाऊंगा और राजा हसन की मेवाती जिसने शहादत दी उसका जो है वहां पर जो हमारा ये होने जा मूर्ति का जो अनावरण होने जा रहा है उसमें पूरी तरह का हम हिस्सा लेंगे। 12 सेशन के द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें ये डिमांड है कि इनके चैम्बरों का निर्माण होना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उस शिलान्यास को करें। तो मैंने आश्वासन दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके वो कार्यक्रम फाइनल होगा और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे। एक आपने बड़ी बात कही है, कहा कि आपने पिछले 75 साल में मेवात पिछड़ा है, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार नहीं होती हैं, उसमें आम आदमी भी जिम्मेदार होता है पिछड़ेपन में, इसमें कोई वो नहीं है। हम सबको समझना पड़ेगा कि विकास करना है तो हम सबको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किसी समुदाय या किसी उसको नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम सब प्रयास नहीं करेंगे, हर वर्ग को, उसमें वकील भी है, पत्रकार भी है, किसान भी है, महिला भी है, पुरुष भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, मुसलमान, जितने वर्ग समाज में है उन सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मेवात दूसरों जिलों की तरह विकसित होगा, ये मेरा विश्वास है। बाकायदा आपने उदाहरण देकर बताया है कितने कॉलेज थे, क्या है मामला, किस तरीके से? नहीं, मैंने सीधा कहा कि 2014 और उससे पहले और उसके बाद का जरूर तुलना हम सबको कर लेनी चाहिए। 2014 में, यदि 2014 से पहले, अक्टूबर 2014 से पहले यहाँ 22 स्कूल हुआ करते थे। मनोहर लाल के 9 साल के उसमें 117 स्कूल हुए, 58 स्कूलों को हमने मॉडल स्कूल किया, हमने लगभग 80 के आसपास प्राइमरी स्कूलों को अपडेट किया। आज यहाँ स्कूलों में टीचरों की संख्या बढ़ी है, यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ी है, कॉलेज यहाँ 3 हुआ करते थे वो 6 हुए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने दिया है। आज यदि यहाँ पानी की कोई प्रॉब्लम है तो 268 करोड़ की फिरोजपुर झिरका में 80 गाँव को पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। आज यदि हुड्डा सरकार में आप BPL कार्ड देखेंगे तो वो लगभग 60,000 थे, आज वो 2,41,000 के आसपास हो गए हैं। आज पहले कोई ऐसी सरकार नहीं जिसने कभी मेवातियों के स्वास्थ्य की चिंता की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की चिंता हुई। आज 4,38,000 आयुष्मान कार्ड बने और मैं आपको और एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 7710 लोगों ने उस आयुष्मान कार्ड का पिछले
उस सालों में प्रयोग किया, उनके 26 करोड़ रुपए उनके बचे। ये मुझे लगता है कि मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी चश्मे से नहीं देख रहे हैं। मेवात भी दूसरों जिलों की तरह है, तो निश्चित रूप से मेवात के विकास को प्रतिबद्ध है। आपने बड़ी बात कही मेवात, और बहुत खुशी की बात है कि हम सब जो मेवात है वो बहुत ही बेहतरीन तहजीब के लिए जाना जाता है। मैं तो कहता हूँ हॉस्पिटलिटी यदि सीखनी है तो आप मेवात में आकर के, इसका कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हर बच्चा हॉस्पिटलिटी जो अतिथि सत्कार है उसके खून में है निश्चित रूप से। और इस चीज को हमें उतना ही कहते ना बढ़ाना चाहिए कि तहजीब पूरी दुनिया में सीखे, इसको हम सबको विकसित करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। एक आपने और बड़ी बात कही है कि मेवाती वतन परस्त है, इसलिए सबको यहाँ के रहने वालों को अपने पीछे मेवाती गर्व से मेवाती लगाना चाहिए। नहीं, मैं बहुत आदर और भाव के साथ कह रहा हूँ, बहुत करबद्ध प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित कोई मेवात को काला पानी कहे, मैं काला पानी नहीं कहूंगा। मैं कहता हूँ ये पुण्य भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये बलिदानियों की भूमि है। यहाँ 1857 में 10,000 लोग फांसी के फंदे को चूम गए। यहाँ राजा हसन खां जैसा मेवाती पैदा हुआ जिसने अपने कौम को नहीं देखा और बाबर से भिड़ गया। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ पुण्य भूमि है। जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को काला पानी किया, उसको मेवात की जनता आगामी चुनावों में 100% जवाब देगी। एक आपने बाहर के लोगों से आपने आह्वान किया कि भाई 9 तारीख को हम शहीद हसन खां का बलिदान दिवस मना रहे हैं, कोई किसी पार्टी का नहीं है बल्कि सरकार का प्रोग्राम है और एक सामाजिक प्रोग्राम है, और उसमें सबके लिए आपने आमंत्रण किया, उनका नोटा भी दिया है, साथ ही कहा है कि इस वक्त हम कई घोषणाएं करेंगे जैसे उनके संग्रहालय, क्या क्या है मामला, किस तरीके से? कुल मिला के जो कार्यक्रम है वो शहीद ए आजम राजा हसन खां मेवाती का बलिदान दिवस है, वो 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी शहादत दिवस को एक तो विशेष दिन का दर्जा दिया है, लेकिन रमजान शुरू हो जाएंगे 10 तारीख से, तो उससे एक दिन पूर्व यानी 9 तारीख को हम बड़कली चौक पर राजा हसन खां का बलिदान समारोह मनाएंगे। मेरा सभी वकील ही नहीं, अधिवक्ताओं से नहीं, समाज के हर वर्ग से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, ये कार्यक्रम पार्टी विशेष का नहीं है, ये हरियाणा सरकार का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं और हम सब मिलकर राजा हसन खां को अपनी श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें। ऐसे वतन परस्त की कहानी पूरी दुनिया, पूरा भारत जाने, यही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है।